अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डिजर्ट कैडाइन कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको 20x50 का एक डुप्लेक्स हाउस प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने 2 BHK सेट किया है विद कार पार्किंग के साथ में। तो ये ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, जो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप कोई डुप्लेक्स प्लान बनाना सोच रहे हो 20x50 में, तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिकली सेट हुई है और आप इसको देखते बराबर फाइंड कर लोगे, इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है मुझे। क्योंकि इसमें विड्थ में 20 फीट है, तो इसमें ज़्यादातर बहुत कम सेटअप होते हैं, जो 2 BHK सेट हो, फ्रंट साइड गार्डन वगैरह हो, तो ऐसे कुछ कम प्लान सेट होते हैं। तो ये उसी टाइप का मैंने सेट किया है, जो काफ़ी कम्फर्टेबली सेट हुआ है। तो चलिए डायरेक्टली आपको प्लान शो करता हूँ। प्लान शो होने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई पर्सनली प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट के डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता देता हूँ आने वाले वीडियो में, इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बना के ज़रूर शो करूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ नॉर्मल से चार्जेस है, वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पर कोई प्लान वगैरह सर्च करो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए। मैंने काफ़ी सारे प्लान बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, काफ़ी सारी कैटेगरीज में, जैसे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऐसे अपार्टमेंट टाइप के मैंने काफ़ी सारे प्लान बनाए हैं, जो उम्मीद है आपको कोई ना कोई प्लान ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप यूट्यूब पर मेरा फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए डायरेक्टली प्लान शो करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फ्रंट साइड 30 फीट की रोड है, जो 20 के फेस पर है, और यहीं पे मैंने कुछ स्टेप्स शो किया है बेसमेंट के, जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्रंट साइड बेसमेंट के स्टेप थोड़े कवर किए हैं, थोड़े से इनसाइड है। तो यहाँ पे ये मेन गेट है, जो 9 फीट का मैंने लिया है, और यहाँ पे इनसाइड आने के बाद में आपको फर्स्ट स्टार्टिंग आपको पार्किंग लगेगी, जो 9 फीट बाय 17 फीट की आपकी पार्किंग स्पेस है। तो काफ़ी कम्फर्टेबल, एक तरफ पार्किंग के लिए कार सेट होने के बाद में साइड में थोड़ी आपकी जगह बचेगी, जो आपको वॉकेबल के लिए बैक साइड हॉल में जाने के लिए वे रहेगा। और यहीं पर राइट साइड में देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन दिया है मैंने, जो 10 फीट बाय आपको 7 फीट का आपको क्लियरली मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर। तो ये जो है 4 इंच की वॉल है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और बेसमेंट के स्टेप्स में यहाँ पर मैंने 2 इनसाइड कवर किया है, ताकि एक साइड ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा डिवाइड कर लिया उस तरफ 2-3, यहाँ पे 1-2-3। तो ये इंट्रेंस डोर है, इनसाइड आने के बाद में आपको हॉल लगेगा, जिसका डायमेंशन 10 फीट बस 15.5 फीट का आपको ये हॉल लग रहा है। इस हॉल में यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड विंडो लिया है, और इस साइड सोफ़ा सेट वगैरह सेट किया है, और यहीं पर इसका TV वगैरह इस हॉल को सेलेक्ट किया है मैंने। स्टेयर्स आपको इनसाइड से ही है, क्योंकि डुप्लेक्स जो प्लान होता है वो आपको हॉल के अंदर से इनसाइड ही लिया जाता है, तो उस हिसाब से ये स्टेयरकेस इनसाइड लिया है मैंने। तो यहीं पे ये लैंडिंग से टर्न होके आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो स्टेयरकेस के नीचे देखिए, यहाँ पे एक डोर है जो आपको शो हो रहा होगा, जो 9 फीट बाय 10 फीट का ये बेडरूम है। और इस बेडरूम में यहाँ पे फ्रंट साइड यहाँ पे विंडो लिया है मैंने, क्योंकि राइट और लेफ़्ट साइड टोटली जगह यूज़ किया गया है, तो उस तरफ विंडो मैंने नहीं प्रोवाइड किया है, सिर्फ फ्रंट साइड ही और बैक साइड ही स्पेस है, जहाँ पे विंडो इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हॉल के इस कॉर्नर पे यहाँ एक आर्च है, और यहाँ पे एक आर्च है। तो इस आर्च से इनसाइड आने के बाद में आपको एक पैसेज लगेगा, और उस पैसेज में से आपको एक बेडरूम का डोर, एक बाथरूम और WC के लिए एक डोर लग रहा है। WC का डायमेंशन देखिए, 3.5 बाय 3.5 फीट का आपको क्लियरली ये WC मिल रहा है। और यहाँ पे बाथ जो है, ये करीब आपको 5 फीट 10 इंच, ऐसे में 4 फीट का मिल रहा है, तो करीब 6 फीट आपको एज इट इज़ मिल रहा है। तो यहाँ पे बैक साइड मैंने एक डक्ट दिया है, जो 2 फीट बाय 4 फीट का डक्ट है ये, और इसी डक्ट में मैंने इसके वेंटिलेटर वगैरह मैंने इस तरफ लिया है, ताकि इसको वेंटिलेशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे एक डोर है जो बेडरूम में जाने के लिए, जिसका डायमेंशन 10 फीट 6 इंच, ऐसे में 10 फीट का ये बेडरूम है। और बैक साइड इसका मैंने यहाँ पर विंडो भी लिया है इस साइड। और इस आर्च से इनसाइड आने के बाद में आपको किचन लग रहा है, किचन का डायमेंशन देखिए, 7 फीट 8 इंच, जैसे में 10 फीट का ये किचन है। और इस तरफ यहाँ पे मैंने 10 फीट की तरफ इसका किचन प्लेटफॉर्म लिया है, और यहाँ पे इस तरफ सिंक है, और यहीं पे एक विंडो वगैरह भी मैंने सेट लिया है, और यहाँ पे एक डोर भी है मैंने जो छोड़ा है, जो बैक साइड ओपन एरिया में जाने के लिए है, आप उसको
कुछ भी वॉशिंग वगैरह ये एरिया भी यूज़ कर सकते हो, वो ओपन टू स्काई रहेगा, आपको डायरेक्टली वेंटिलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफ़ी कंफर्टेबली ये प्लान सेट हो गया है। आप आउटर से आउटर इसका डायमेंशन भी देख सकते हो 20 फीट, और यहाँ से आउटर भी इसका डायमेंशन देख सकते हो 50 फीट। तो ये 20x50 में है, ये 1000 स्क्वायर फीट में आपको कंफर्टेबली 2 BHK बना है, और साथ ही साथ फ्रंट साइड काफ़ी स्पेस है जो पार्किंग के लिए भी है और गार्डनिंग के लिए भी, और बैक साइड भी आपको काफ़ी स्पेस मिल रही है। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। उम्मीद है ये प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पे उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हो, और आपका कोई पर्सनल प्लान बनाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। तो फिलहाल के बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका आपको कॉलम लोकेशन शो करूँगा कि इस प्लान में कहाँ पे कॉलम आना चाहिए, वो आपको मैं शो करूँगा। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, खुदा हाफिज़।